सादर प्रणाम कर दूं तो आप परिचय दे दियो दूं। मेरो नाम वेदिका सैमुअल जी और मैं अभी बीएससी फाइनल में छू। अगस्त मुनि भी तिनारी पढ़े करनो छू और अभी मैं आप सबका सम्मुख गढ़वाली काव्य पाठ का वास्ता जुड़ी छू। मेरी पहली जो कविता थी गढ़वाली रचना, मैं गढ़वाली कविता लिख दूँ तो मेरी जो पहली रचना थी वह थी कि या कुछ शीर्षक थी कि बॉडा और बॉडी को प्यार, कि बॉडा और बॉडी को प्यार और बॉडी कन बदलो बल देहरादून जाना बाद अंदा। ये कविता पलायन पर थी और ये कविता मैंने कोशिश करी कि मैं एक बॉडा और बॉडी का पात्र तो लेता है आप सबों का बीच में। पलायन हमारा उत्तराखंड में जन बहुत सारा लोग पलायन का रोजगार का वास्ता भेज जाना छिन तो मैंने अपनी लिखण की कोशिश करी, शायद आप सबों तक पसंद होलू। अगर आप सबों तक पसंद होलू तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट का थ्रू मैं जरूर बताया। तो प्रस्तुत कर दूँ अपनी पंक्तियाँ कि बॉडा बना छन कि मेरा नंदू की बुए पेलिकति मयाली छे, कि मेरा नंदू की बुए पेलिकति मयाली छे, ए जी सोना ए जी अवा करी मैं बुलंदी छे, कि मेरा नंदू की बुए पेलिकति मयाली छे, ए जी सोना ए जी अवा करी मैं बुलंदी छे। और आज दिन इन भीएगी कि आज दिन इन भीएगी हेलो हाय वीता स्वांदू, कि आज दिन इन भीएगी हेलो हाय वीता स्वांदू, मैं पहली पता हूँ छो तो मैं देहरादून कते नहीं जानू, मैं पहली पता हूँ छो तो मैं देहरादून कते नहीं जानू। और चार दिन ईता मैं देहरादून घुमाण जो लिखरी, कि चार दिन ईता मैं देहरादून घुमाण जो लिखरी, भरी उदास छे वैया नाती नतणु मिलाण जो लिखरी, कि चार दिन ईता मैं देहरादून घुमाण जो लिखरी, भरी उदास छे वैया नाती नतणु मिलाण जो लिखरी। और बदली चाल ढाल वही फैशन बात छोड़ा, कि बड़ा बना छन कि बदली चाल ढाल वही फैशन बाज छोड़ा, क्या बन दस मन के बीच तुमन मैं तैयार रिहर्सल करी घर में बोला, कि बड़ा बना छिन कि वी की चाल ढाल बदली व मॉडर्न में मैं तक कोई गम नहीं छी, आखिरकार क्या को गम छी, कि बदली चाल ढाल वही फैशन बाज छोड़ा, और क्या बन दस मन के बीच तुमन मैं तैयार रिहर्सल करी घर में बोला, और हेलो बेबी हेलो स्वीट हार्ट, कि हेलो बेबी हेलो स्वीट हार्ट करी मैं बाजार में बुलाया, कि हेलो बेबी हेलो स्वीट हार्ट करी मैं बाजार में बुलाया। और बन तुम नंदू बुएत तुमो तुम्हारा नंदू सौ, कि बन तुम नंदू बुएत तुमो तुम्हारा नंदू सौ, तब घिचू कते न खुलाया तब घिचू कते न खुलाया। अब बॉडी का सुंदरता का भी बखान करना छिन कि यो काला ब्लाउज में भी, कि यो काला ब्लाउज में भी विपर हर साड़ी कन सज दी छे, कि यो काला ब्लाउज में भी विपर हर साड़ी कन सज दी छे, अब बिन लपड़ा लपड़ी की भी नंदू की बुए कन लग दी छे, कि यो काला ब्लाउज में भी विपर हर साड़ी कन सज दी छे, बिन लपड़ा लपड़ी की भी नंदू की बुए कन लग दी छे। और चार दिन देहरादून, कि चार दिन देहरादून इतक रौंदा रौंदी इन ब्रांडेड साड़ी डिमांड करी, कि चार दिन देहरादून रंदा रंदी इन ब्रांडेड साड़ी डिमांड करी, मैचिंग ब्लाउज भी जरूर ले आ यू बोली बोली मैं परेशान करी, मैचिंग ब्लाउज भी जरूर ले आ यू बोली बोली मैं परेशान करी। उ दिन भी याद आंदा मैं, बड़ा पुराना दिन होता भी याद करना छिन जब वो गाँव में रहता था, कि उ दिन भी याद आंदा मैं नंदू की बुए कन सवादी खाना बनाउंदी छे, कि उ दिन भी याद आंदा मैं नंदू की बुए कन सवादी खाना बनाउंदी छे, मल्ली चूल्हा भात धौरी मूली चूल्हा छछोड़ थड़कौंदी छे, कि मल्ली चूल्हा भात धौरी मूली चूल्हा छछोड़ थड़कौंदी छे। और आज इनकी डिमांड देखा, कि आज इनकी डिमांड देखा मैं तो चौमिन पिज्जा खिलावा, कि आज इनकी डिमांड देखा मैं तो चौमिन पिज्जा खिलावा, घर मु कते न मंगाया मैं तो रेस्टोरेंट ले जावा, घर मु कते न मंगाया मैं तो रेस्टोरेंट ले जावा। और दोस नंदू बुए कुनी बड़ा बना, कि दोस नंदू बुए कुनी ये बदल द समाज कुछ, कि दोस नंदू बुए कुनी ये बदल द समाज कुछ, रोग भरी बुरु लग्यू ये दिखावटी इंसान तच, कि दोस नंदू बुए कुनी ये बदल द समाज कुछ, दोस भरी बुरु लग्यू ये दिखावटी इंसान तच। अब मार दू छू कि देहरादून जान दगड़ियों, कि मार दू छू देहरादून जान दगड़ियों, आज के की मजबूरी तो आज के की मजदूरी वेगी,
कि मर्दू छू देहरादून जान दगड़ियों, आज के की मजबूरी थी, आज के की मजदूरी वेगी। उत्तराखंड का हर युवा तय कि उत्तराखंड का हर युवा तय अपनी संस्कृति सभ्यता बताओ आज बहुत जरूरी वेगी। कि क्या जरूरी थी वही कि खेती बाड़ी भी हमारी माँ लग रही छे कबारी, कि खेती बाड़ी भी हमारी माँ लग दी छे कबरी। और आज पुंगड़ा पटला बांझा पड़िया, कि आज पुंगड़ा पटला बांझा पड़िया, मांगिया सी सगोड़ू माँ सब देहरादून बसिया, मांगिया सी सगोड़ू माँ सब देहरादून बसिया। ये रचना लेखन को मेरे तात्पर्य क्या छो मैं चांदू क्या छो ये समाज से तो ऐथर की पंक्तियों में बतौलू कि बहुत नतजर सही, कि बहुत नतजर सही अपरी घर कूड़ी पुंगड़ा पटला भी बचावा दू, कि बहुत नतजर सही अपरी घर कूड़ी पुंगड़ा पटला भी बचावा दू। और रोज नते कभी सही, कि रोज नते कभी सही अपरी नौनी बर होता है, कि रोज नते कभी सही अपरी नौनी बर होता है, छोड़ो भात भटू साग भी बनोन सिखावा दू। और अति नतजर सही कि अति नतजर सही अपरा नौना बलूता गढ़वाली बन भी सिखावा दू, कि अति नतजर सही अपरा नौना बलूता गढ़वाली बन भी सिखावा दू। और रोज नते कभी सही अपरी नौनी बरूता है, छोड़ो भात भट्टू साग भी बनोन सिखावा दू, छोड़ो भात भट्टू साग भी बनोन सिखावा दू। बहुत बहुत आभार आप सबों को, आप सब मैं कमेंट्स करना छा। और एक और कविता का साथ आपका बीच में जुड़ू छू जैकु शीर्षक ची कि भूख नी मने तो पाड़मा। जन की आप सब लोग जानदा छिन कि लॉकडाउन में हमारा उत्तराखंड भै बंदों का रोजगार से जो को रोजगार क्या बोल दें रोजगार छूटी जो को तो उन सभी भै बंदों तय एक प्रोत्साहन का रूप में मेरी यह कविता ची। जन की लॉकडाउन का बाद लॉकडाउन में कोरोना काल में ज़्यादातर हमारा बेबंद अपना रोजगार छूटन का बाद हम अपना गांव की ओर लौटिन अपना घरों की ओर लौटिन। तो अब कखी ना कखी हम सब लोगों जानी कि कखी ना कखी हम अपना उत्तराखंड में भी अपन जीवन यापन कर सकन। कति भै बंधुन स्वरोजगार अपनाई। निवेदन कर दूँ आपसे कि आप जरूर शेयर कर ला ताकि हम दगड़ी और लोग भी जुड़ सकूँ। तो बहुत सारा भेबंधु का रोजगार छूटें तो वो अपरा गांव अपरा घरों की ओर हैं, तो उतना अब पता चले कि हम कखी ना कखी हम अपरा उत्तराखंड में भी जीवन यापन कर सकता वो स्वरोजगार की ओर गैन उनका। अब उन देखी कि हम उत्तराखंड हमार जो चीज धन धान्य से उत्तराखंड अगर हम सवन चाला अगर हम जीन चाला तो हम यक भी जी सकदन। तामे मेरे कविता को शीर्षक खींची कि भूख नी मने तो पहाड़ माँ, कि तू यक त्वता यक ज़्यादा जड हुए सकदू अतिमति घाम हुए सकदू लेकिन भूख मने नौबत हमारे पहाड़ों माँ हमारा उत्तराखंड में कभी नहीं है सकती। तो यह कविता उन सभी भेबंदों तक समर्पित करना छू जो ये कोरोना काल में अपन रोजगार छोड़ी था पर जो कि रोजगार छूटी और अपरा घर की ओर लौटिन अपरा गांव मुल्क की ओर लौटिन। तो उतना वो यह कविता एक प्रोत्साहन के रूप में समर्पित कर दूँ। तो कि ना हो दगड़िया बेबसलाचार, कि ना हो दगड़िया बेबसलाचार ये कोरोना काल में, कि ना हो दगड़िया बेबसलाचार ये कोरोना काल में, और ना कर जिक्र ना कर फिक्र, कि ना कर जिक्र ना कर फिक्र कति खोलू कति कमोलू ए सुदगा साल मा, कि कति खोलू कति कमोलू ए सुदगा साल मा, आ दन कर्त पड़लू दगड़िया, कि दन कर्त पड़लू दगड़िया कभी गजरत कभी धार मा, कि दन कर्त पड़लू दगड़िया कभी गजरत कभी धार मा। आ यो बात तू भी जान दू कि भूकु नी मने तो पाड़ मा, यो बात तू भी जान दू कि भूकु नी मने तो पाड़ मा। आ कुछ नी होलू दगड़िया घर, कि कुछ नहीं होलू दगड़िया घर वटी खेतु घरिया साग मा, कि कुछ नहीं होलू दगड़िया घर वटी खेतु घरिया साग मा, अब बड़े होलू हालम काटी दगड़िया ढपली बने तो भात मा, कि कुछ नहीं होलू दगड़िया घर वटी खेतु घरिया साग मा, बड़े होलू हालम काटी दगड़िया बड़े होलू हालम काटी दगड़िया ढपली बने तो भात मा। आई कंडले तिमला अरकुरियाले, कि कंडली तिमला अरकुरियाले कन सवदी भुजी होंदी दगड़िया, कि कंडली तिमला अरकुरियाले कन सवदी भुजी होंदी दगड़िया, याद राखी ई बात हाँ, कि याद राखी ई बात हाँ, आ जखियत दिन कटलिन दगड़िया, कि जखियत दिन बीतिन दगड़िया होर भी वाला पार हाँ, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मने तो पाड़ मा, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मने तो पाड़ मा।
आत्मनिर्भर बढ़ जाए दगड़िया, कि आत्मनिर्भर बढ़ जाए दगड़िया अपनो कुछ स्वरोजगार, कि आत्मनिर्भर बढ़ जाए दगड़िया अपनो कुछ स्वरोजगार, बांजा पुंगड़ा खौन दगड़िया लगो जरा भुजी साग, कि आत्मनिर्भर बढ़ जाए दगड़िया अपनो कुछ स्वरोजगार, बांजा पुंगड़ा खौन दगड़िया लगो जरा भुजी साग, और उंद पुंत सब तेरा बिरण छा, कि उंद पुंत सब तेरा बिरण छा यक गौ मुल्क तेरु अपरु छी, कि उंद पुंत सब तेरा बिरण छा यक गौ मुल्क तेरु अपरु छी, छिन सब अपना खास हाँ, कि छिन सब अपरा खास हाँ, और छोटू बड़ू नहीं होंदू कोई काम दगड़िया, कि छोटू बड़ू नहीं होंदू कोई काम दगड़िया घर परिवार चैंदू साथ मा, कि छोटू बड़ू नहीं होंदू कोई काम दगड़िया घर परिवार चैंदू साथ मा, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मन तो पाड़ मा, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मन तो पाड़ मा। और केस कुछ चीज जो हम तो अपने पहाड़ों में ध्यान रखियो चाहो वो मैं यूं पंक्तियों का एथर की पंक्तियों का माध्यम से आप तक बतोलू, कि एक गोणी बंदर नचदा दगड़िया कि एक गोणी बंदर नचदा दगड़िया कभी गदरत कभी धारमा, कि एक गोणी बंदर नचदा दगड़िया कभी धारत कभी सारमा, असाग भुजी बुतलू दगड़िया तू रहता की ताकमा, कि एक यक गोणी बंदर नचदा दगड़िया कभी धारत कभी सार मा, साग बुझी पुतलो दगड़िया तू रहता की ताक मा, असुदी न भटे चक तक कि सुदी न भटे जख तक ढूंग बिधौरी हाथ मा, आ यक रूम की भक्त बस सुंगूर भी होंदा, कि यक रूम की भक्त बस सुंगूर भी होंदा ढूंग बिधौरी तो हाथ मा, कि यक रूम की भक्त बस सुंगूर भी होंदा डरना लगे तो रात मा, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मने तो पाड़ मा, यो बात तू भी जान दू कि तू भूख नी मने तो पाड़ मा। अजू वे सुवे दगड़िया कि जुवे सुवे दगड़िया अब नि स्वचण से बात हाँ, कि जुवे सुवे दगड़िया अब नि स्वचण से बात हाँ, कुछ तो बचा रोला गर दगड़िया के मिलला रोजगार हाँ, कुछ तो हमन दिली दगड़िया कुछ होर द्योला ये कोरोना मात हाँ, कि कुछ तो हमन दिली दगड़िया कुछ होर द्योला ये कोरोना मात हाँ, और सुख दुख तो आंदा जांदा रोंदा कि सुख दुख तो आंदा जांदा रोंदा, ये कलयुगी इंसान तै नी रोंदू कभी आराम हाँ, कि सुख दुख तो आंदा जांदा रोंदा ये कलयुगी इंसान तै नी रोंदू कभी आराम हाँ, अब बनी यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मने तो पाड़ मा, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मने तो पाड़ मा। अब बनी जालू जो तू समर्थ सक्षम कि बनी जालू जो तू समर्थ सक्षम रोलू तू के गरीब तक कुछ द्योना हाल मा, कि बनी जालू जो तू समर्थ सक्षम रोलू तू के गरीब तक कुछ द्योना हाल मा, तब सुबेर उठी दगड़िया ढूंढना अपरुनो अखबार मा, कि तब सुबेर उठी दगड़िया ढूंढना अपरुनो अखबार मा, अ करी तक तू कुछ धर्म कर्म कि करी त तू कुछ धर्म कर्म पाए न तब तू ये भर्म, कि भूत कली समाज सेवा दी त कुछ धन राशि दान मा, कि भूत कली समाज सेवा दी त कुछ धन राशि दान मा, अब तो मैं उठने पड़लू अगली बार प्रधाना चुनाव मा, अछोड़ी तयू बच्चू दगड़िया कि छोड़ी तयू बच्चू दगड़िया तू गर्व करी तू फक्र करी, कि छोड़ी तयू बत्तू दगड़िया तू गर्व करी तू फक्र करी, कि तेरी जन्म भूमि च गढ़वाल मा, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मने तो पाड़ मा, यो बात तू भी जान दू कि भूख नी मने तो पाड़ मा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये रचना मेरी यकीमु समाप्त हुए। कपिल डिमरी जी, सौरभ उनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका वास्ता नीमा पुरुत के जब प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कम लोग लाइव जुड़िया छिन, तो आप लोग जरूर शेयर करा ताकि और लोग हमारा बीच में जुड़ सकूँ। और मेरी ये कविता जो छे कि भूख नी मने तो पहाड़ मा, ये कविता हूँ सभी भाई बंधु ते समर्पित थी जो ये लॉकडाउन में अपरा गांव की ओर लौटीन। अब एक बहुत मार्मिक रचना लेता मैं आपका बीच में आणु छू, तो आप सब उसे विनम्र निवेदन जी आप जरूर सुनिया और जरूर ई पोस्ट ते शेयर करें। कविता को शीर्षक छे बलात्कार, जन की आप सब जान दे छिन कि आए दिन हम ते सुनणु रोंदू कि आज यख बलात्कार वेगी हमारी बेटी बरू तै, मैं ई कविता तै समर्पित करनू छू। तो बहुत मार्मिक रचना थी, आशा कर दू आप तै जरूर पसंद होली और आप सब लोग जरूर सुनिया और आप प्रतिक्रिया मैं तै कमेंटों का माध्यम से जरूर दिया। तो मैं ई कविता तै समर्पित कर दू कि पहली पंक्ति जो ची मेरी वह एक प्रश्न का रूप में ची, समाज का समणी मैंने एक प्रश्न का रूप में रखी तै समर्पित कर दू।
कि क्या यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी, एक बेटी पूछनी चाहिए आप सब से कि क्या यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी, जब हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी, कि क्या यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी, जब हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी, आइया कोई गीत कविता छंद पुराणी, कि यह कोई गीत कविता छंद पुराणी, यह भी हर बेटी की आवाज जी, कि यह कोई गीत कविता छंद पुराणी, यह भी हर बेटी की आवाज जी, जो बलात्कार जन जुल्म से वही लाचार जी, के यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी, जब हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी, जब हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी। ये बैरी समाजन जिस मौका सौदागारुन, कि ये बैरी समाजन जिस मौका सौदागारुन, अंधेरी अंधेरी रातों मा कब दिन दोपहरा चौबाटों मा, कि ये बैरी समाजन जिस मौका सौदागारुन, अंधेरी अंधेरी रातों मा कब दिन दोपहरा चौबाटों मा, हर पल यून मर्यादा लांगी गुपचुप रह सन्नाटों मा, कि अंधेरी अंधेरी रातों माँ कभी दिन दोपहरा चौबाटों माँ, हर पल यून मर्यादा लांगी गुपचुप रह सन्नाटों माँ, अके बेटी तो बिकेली यून जिस मौका बाजारों माँ, के बेटी तो बिकेली यून जिस मौका बाजारों माँ। अब वो इंसान नहीं हैवान छन, कि वो इंसान नहीं हैवान छन, जुन अयासी का खातिर अपड़ी के बेटी अर्थी पर धली, कि वो इंसान नहीं हैवान छन, जुन अयासी का खातिर अपड़ी के बेटी अर्थी पर धली, अजन्मी तयन कुपुत्र होते, कि जन्मी तयन कुपुत्र होते हैं वो बुए भी वही शर्मसार जी, कि जन्मी तयन कुपुत्र होते हैं वो बुए भी वही बदनाम जी, और वोणु आंचल आंखू चोणू पानी, कि रोणु आचल आंखू चोणू पानी, वो कोख भी वही शर्मसार जी, के यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी, जग हर दूसरा तीसरा दिन सुनन वाली खबर बलात्कार जी, जग हर दूसरा तीसरा दिन सुनन वाली खबर बलात्कार जी। अब कभी वी का कपड़ों पर तो कभी चरित्र पर सवाल उठाई, कि कभी वी का कपड़ों पर ते कभी चरित्र पर सवाल उठाई, अधेड़ उम्र की औरतन भी अपू तक सुरक्षित नहीं पाई। बहुत शर्म की बात जी हम तय, कि कभी वी का कपड़ों पर ते कभी चरित्र पर सवाल उठाई, अधेड़ उम्र की औरतन भी अपू तक सुरक्षित नहीं पाई, और अपड़ा रिश्ता ना तो मही वो अपनी इज्जत गिर गिड़ाई, कि अपरा रिश्ता ना तो मही वो अपनी इज्जत गिड़गिड़ाई, और लुटी आबरू और दबिया वजन, कि लुटी आबरू और दबिया वजन वीते हर पल दोषी बनाई, कि लुटी आबरू और दबिया वजन वीते हर पल दोषी बनाई, अब पूछ दू छू मैं विधाता तो ऐसे, कि पूछ दू छू मैं विधाता तो ऐसे, यू नारी कुकणे किरदार जी, अल्लाह नच्ची तो ना मर्दों पर, कि लानत जी तो ना मर्दों पर, जो व्यापार करदन जिस्मों को, बिसरीता संस्कार अपड़ा बलात्कार करदन रिश्तों को, कि लानत जी तो ना मर्दों पर, कि लानत जी तो ना मर्दों पर, जो व्यापार करदन जिस्मों को, बिसरीता संस्कार अपड़ा बलात्कार करदन रिश्तों को, क्या ये तुम्हारे पुरुषार्थ जी, कि क्या ये तो मोर पुरुषार्थ जी, के यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी, जग हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी, जग हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी। तब तक मेरी कलम नहीं रुक ली, बहुत सारा मेरा जो फेसबुक में था मैसेज होना, सब लोग मैं था बोलन कि वेदिका जी आप प्रेम पर लोखा, प्रेम प्यार पर लोखा, तो उन सबू तो या पंक्तियां समर्पित करनू छू जवाब का रूप में, कि तब तक मेरी कलम नहीं रुकली जिस मौका बाजारों में बेटी बारी जब तक बिकली, कि तब तक मेरी कलम नहीं रुकली जिस मौका बाजारों में बेटी बारी जब तक बिकली, अब बेटी निर्भया प्रियंका ना, कि बेटी निर्भया प्रियंका ना तिल रोतेली झांसी रानी हो, कि बेटी निर्भया प्रियंका ना तिल रोतली झांसी रानी हो, कोमल करुण प्यारी ना हर नारी क्रांतिकारी हो, कि कोमल करुण प्यारी ना हर नारी क्रांतिकारी हो, बेबस लाचार बेचारी ना हर नारी स्वाभिमानी हो, कि बेबस लाचार बेचारी ना हर नारी स्वाभिमानी हो, और हर नारी महो माँ काली को स्वरूप, कि हर नारी महो माँ काली को स्वरूप, देखी त नारी कुयन प्रचंड रूप, कि हर नारी महो माँ काली को स्वरूप, देखी ते नारी कुयन प्रचंड रूप, देश में न तब कोई बलात्कारी हो, कर दू छू उम्मीद में, कि कर दू छू उम्मीद में हर नारी यन दमदारी हो, कर दू छू उम्मीद में हर नारी यन दमदारी हो, कोमल करुण प्यारी ना हर नारी क्रांतिकारी हो, बेबस लाचार बेचारी ना हर नारी स्वाभिमानी हो। और शायद
ते दिन हमारा समाज से यो कुकृत्य हटी जोलू समाप्त होलू जे दिन एतर पंक्तियों ते समर्पित करनू छू कि जब हर माँ अपना नौनत है कि जब हर माँ अपना नौनत है नैतिकता को पाठ पढ़ोली कि जब हर माँ अपना नौनत है नैतिकता को पाठ पढ़ोली बलात्कार का कर्म कांड माँ अपनी आंचल की आड़ नहीं दोली कि जब हर माँ अपना नौनत है नैतिकता को पाठ पढ़ोली बलात्कार का कर्म कांड माँ अपनी आंचल की आड़ नहीं दोली छोड़ी ममता प्यार तय सजा दिलोली हैवान तय कि छोड़ी ममता प्यार तय सजा दिलोली हैवान तय खुद औरत वेता औरत को घुटियानी दोली सम्मान तय कि खुद औरत वेता औरत को घुटियानी दोली सम्मान तय सोची समझी मनन झुकला कि सोची समझी मनन झुकला समाज भी ये कुछ जिम्मेदार जी कि सोची समझी मनन झुकला समाज भी ये कुछ जिम्मेदार जी हिंदू मुस्लिम पर लड़ना तय यह हर इंसान तैयार जी कि सोची समझी मनन झुकल्ला समाज भी ये कुछ जिम्मेदार छी हिंदू मुस्लिम पर लड़ना तय यह हर इंसान तैयार छी और छोटी छोटी अफवाहों पर भी कि छोटी छोटी अफवाहों पर भी कभी आंदोलन तो कभी भूख हड़ताल छी कि छोटी छोटी अफवाहों पर भी कभी आंदोलन तो कभी भूख हड़ताल छी पर अफसोस देश की बेटी तल लड़ना तय कि पर अफसोस देश की बेटी तल लड़ना तय यख हर कोई बड़ी इज्जतदार छी और गूंगी सरकार और अंधु संविधान कि गूंगी सरकार अंधु संविधान के ये हमारे शिष्टाचार छी कि गूंगी सरकार अंधु संविधान के ये हमारे शिष्टाचार छी मेरी कलम बतौली आज ये जुल्मों के समाधान छी कि मेरी कलम बतौली आज ये जुल्मों के समाधान जी देश की इज्जत से जो खिल लू नारी की इज्जत तार तार जो कर लू कि देश की इज्जत से जो खिल लू नारी की इज्जत तार तार जो कर लू वो अपराधी निगद्दार जी के यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी जब हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी के यू मेरे स्वे हिंदुस्तान जी जब हर दूसरा तीसरा दिन सुनने वाली खबर बलात्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सती जी बहुत बहुत धन्यवाद जुनका वास्ता सौरभ उनियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों से निवेदन भी करना छू कि आप जरूर पोस्ट शेयर करा ताकि लोग हमारा बीच में जुड़ सकूँ बहुत कम मात्रा में जुड़िया छन तो सुनने में भी कविता पाठ करने में भी भजन ही होंदू एक और रचना का साथ आपका बीच में जुड़ना छू और अभी मैं कविता सुनाने का समय में आप सब मैं कमेंट करना छी ना उस कमेंट हटना छी जे वजह से मैं पढ़ी नहीं पाऊँ तो जब मेरी रचना समाप्त होनी तो आप वे वक्त मैं मैसेज कर ला कमेंट कर ला तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सब को जवाब दे सक दूँ एक और रचना का साथ आपका बीच में शुरू होना छू प्रस्तुत होना छू जैको शीर्षक छी दहेज जनकि आप सब लोग जान दे छिन कि हमारा समाज में कखी ना कखी दहेज भी नारियों पर भारी पड़नो छी बहुत खासकर एक दो महीना पहले हमारा घनसाली या मयारी साइड में एक बहन का साथ में दहेज की वजह से भी तो शोषित करोगे तो भी वो सभी महिलाओं तक मैं एक कविता तक समर्पित करनो छू तो अगर पसंद होली तो जरूर आप शेयर करें कि वो बेटी बनी चाह मेरे कलम से बनी चाह और समाज का समणी मैं बताना चाहूँ कि क्या जो महिला दहेज कुरीति से शोषित वाली तो वह क्या सोचती वाली कि हे निर्दयो तुम दया भी नहीं आई वह बेटी बनी चाह कि हे निर्दयो तुम दया भी नहीं आई चार रुपयों बाना तुम उनमें मिर्ची मिर्ची खाई कि हे निर्दयू तुम दया भी नहीं आई चार रुपयों बाना तुम उनमें नची नची खाई और न मे तिवैन मेरा न वैन मेरा स्वरी कि न मे तिवैन मेरा न वैन मेरा स्वरी कैन बोली पेटी चित कैन बोली बुआरी कि न मे तिवैन मेरा न वैन मेरा स्वरी कैन बोली बेटी चित कैन बोली बुआरी और कभी बेटी कर्म तो कभी बुआरी धर्म निभाई कि कभी बेटी कर्म तो कभी बारी धर्म निभाई स्वर्ण दस मन क्यों बीच पूछी बोल बारी देज मा के लाई बोल बारी मेतबे के लाई जर जब मैंने आवाज उठाई कि जर जब मैंने आवाज उठाई के दीने मेरा मृत्युन हकलंदी आवाजन बताई कि जर जब मैंने आवाज उठाई के दीने मेरा मृत्युन हकलंदी आवाजन बताई कि मेरा बुए बबुन सैती पाली बेटी तुमो दान कि मेरा बुए बबून सैती पाली बेटी तुमो दान कली मेरा रूप मा कमाई जीवन भरे पूंजी तुम्हारा नाम कली
कि मेरा बुए बबुन सैती पारी बेटी तुमो दान कली कन्यादान अब मेरा रूप माँ कमाई पूंजी तुम्हारा नाम कली अकेले आई तू देज माँ अके दीनी तेरा मित्युन कि अकेले आई तू देज माँ के दीनी तेरा मित्युन यू पूछी पूछी तुम उनमें सरेआम बदनाम कली यू पूछी पूछी तुम उनमें सरेआम बदनाम कली। नारी को भी स्वाभिमान हों दू। अब वो बेटी अपना मृत्यु से भी गुस्सा जतौनी चे कि आप तुम लोगों इतना बड़ो फर्क कड़ा करी कि अपने पंक्तु का माध्यम से बतोलू कि भूख लगन पर मैं भी रवे। वो बेटी बोली जा कि भूख लगन पर मैं भी रवे बुए बाबू का सांको पर से कि भूख लगन पर मैं भी रवे बुए बाबू का सांको पर से घरे लाड लड्यारी रे दादा दादू की प्यारी रे कि भूख लगन पर मैं भी रे बुए बबू का सांको पर से घरे लाड लड्याली रे दादा दादू की प्यारी रे नौनू तेरू अपरू माजी मैं सदनी पर आई रे नौनू तेरू अपरू माजी मैं सदनी पर आई रे। अके बैरी ने रिवाज बनाए कि के बैरी ने यू रिवाज बनाई चार रुपयू बाना मैं सदनी ये पिथाई कि के बैरी ने यू रिवाज बनाई चार रुपयू बाना मैं सदनी ये सताई और दु दुई घर दी तभी मैं तै धिकार ची तू दुई घर ऊपर जो बेटी पर नहीं सवार सकदन कि दु दुई घर दी तभी मैं तै कभी अत कभी वत न चाई कि दूध भी घर दी तभी मैं तय कभी अत्य कभी वत न चाई और इन दहेज प्रथा का बाना मैं सदनीय नि पिथाई इन दहेज प्रथा का बाना मैं सदनीय नि पिथाई। दीपक सती जी धन्यवाद। सौरभ उनियाल जी इंदु बुआ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का वास्ता और आप सब लोग जरूर शेयर करा। अब भी बेटी की भी महिला की समर्पण भावना पर भी मैंने कुछ लेखन की कोशिश करी कि तन दान मन दान अप्रस भी अरमान कि तन दान मन दान अपर सभी अरमान अपर कर्म कर्तव्य समझी करी द्वी गुरु सम्मान कि तन दान मन दान अपर सभी अरमान अपर कर्म कर्तव्य समझी करी द्वी गुरु सम्मान अतेरु दोष इथी रे त्वंसु जांचनी परखिनी कि तेरु दोष इथी रे त्वंसु जांचनी परखिनी अपर कर्म कर्तव्यों से तू जर सभी सरकिनी कि तेरु दोष इथी रे त्वंसु जांचनी परखिनी अपर कर्म कर्तव्यों से तू जर सभी सरकिनी अवे कहे ती चिल्लाण पर दहेजा बाना तेरु चिकुड़ खणी खणी खाण पर कि वे कहे ती चिल्लाण पर दहेजा बाना तेरु चिकुड़ खणी खणी खाण पर अखरी खोटी सुनाई तैन तेरा बुए बबू की गरीब पछाण पर कि खरी खोटी सुनाई तैन तेरा बुए बबू की गरीब पछाण पर अकेले त्वैन सर झुकाई वे कहे ती सतान पर किले त्वैन सर झुकाई वे कहे ती सतान पर। अब वो सभी महिलाओं तै यूं पंक्तियों तै एक यूं पंक्तियों तै समर्पित कर दू कि नानी भो तू यूं बेमतलब करे ती रिवाज होता है कि नानी भो तू यूं बेमतलब कर रही थी रिवाज होता है और नालू को तू यूं दहेज का अत्याचार होता है कि नानी भो तू यूं बेमतलब का रीति रिवाज होता है नालू को तू यूं दहेज का अत्याचार होता है तू कोई सामान नहीं तेरु लेन देन को काम नहीं कि तू कोई सामान नहीं तेरु लेन देन को काम नहीं और ना झुक तू ये कलयुगी समाज माँ यक मिलनत वह आज कोई राम नहीं कि ना झुक तू ये कलयुगी समाज माँ यक मिलनत वह आज कोई राम नहीं अशुद्ध सरल शब्दों में पूछ दो आज तुमों में कि शुद्ध सरल शब्दों में पूछ दो आज तुमों में क्या नारी को कोई स्वाभिमान नहीं क्या नारी को कोई स्वाभिमान नहीं क्या नारी को कोई स्वाभिमान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर रावा जी बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु बुआ लगातार मैं तक कमेंट करनी छिन जन सरोकार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित कन का वास्ता और इन कविता सुने ते सुनने वालों भी बहुत भावुक भेजन और शायद सुनने वाला भी भावुक भेजन हम सब लोग होते हैं हम समाज से अगर हम तय यूँ कुकृत्यु तय यूँ बुराइयों तय हटाने ची बलात्कार जन दहेज जन आत्महत्या जो जो युवा सुसाइड भी कर जन उन लोग होते भी ये को बस एकमात्र मेरा जोखण से मेरा नजर में बस ये को एकमात्र जो निवारण ची जो उपाय ची वो ची अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश और अच्छा संस्कार अगर हर माँ बाप अपना बच्चों तय अच्छा संस्कार जनन परवरिश जनन और हर गुरु अगर अपने शिष्य ते अच्छी शिक्षा दियो तो कखी न कखी आतंकवाद अत्याचार दहेज बलात्कार भ्रूण हत्या और तमाम जो हमारा समाज में जथा भी क्राइम वनन वो कखी न कखी शायद थोड़ा बहुत कम हो वे सकदन और हम सब पढ़िया लिखा लोगों को एक दायित्व भी ची कर्तव्य भी ची कि यदि हम पढ़ना छिन तो हम जरूर अपने आसपास का लोगों तय अवेयर करूँ
अपन आसपास का लोग उतना जरूर जागरूक करूँ, उतना जरूर सही और गलत की फर्क बताऊँ। तो एक और रचना का साथ, मार्मिक रचना तो बहुत बेगिन, अब एक और हास्य कविता का साथ आपका बीच में जुड़ू छू, जैको शीर्षक थी कि भेजी को ब्यो कखी कोरोना न हो। आप सब लोग होते हैं, अगर मेरी कविता पसंद होनी चाहिए तो आप सब उसे एक निवेदन कर दो कि आप सब लोग यूट्यूब पर जेते वेदिका सामाल जरूर सर्च करें। मेरे एक चैनल थी जे पर मैं अपनी छोटी छोटी रचना होता है प्रेषित कर दूँ, प्रस्तुत कर दूँ। तो अगर आप तक कविता पसंद होनी चाहिए तो जरूर यूट्यूब पर जेता है मेरे नो सर्च करें वेदिका सामाल, आप तक मेरी वहाँ पर कविताएँ मिलेंगी। तो एक हास्य कविता का साथ आपका बीच में जुड़ू छूँ, जैको शीर्षक जी भैजी को उपयोग कखी कोरोना न हो। तो पहले मैं थोड़ा बहुत सार बते दूं कि जन की आप सब लोग जान दे छिन कि कोरोना काल में बहुत सारा भेबंधन छिन जो का ब्यो रुकिन छिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन का वजह से। तो वो भेजू का क्या हाल छिन, वो क्या स्वच्छदन कि वो क्या स्वच्छदन उस सोचदन की वो भेजी के सोचना छिन जो भयो का ब्यो रुकिन। तो आप मन बन लिया है, एक हास्य कविता का रूप में ये था सुनिया। तो भेजी बना छिन कि धो धो सिनो मैं नौनी पाई, कि आजकल नौनियों की थोड़ा नौनी कमे मिल रही छिन ब्यो का वास्ता। तो भेजिन बहुत करम करी छा नौनी ढूंढण का वास्ता, आज एक कोरोना वायरस है उनको ब्यो रुके ली। तो वे पर मेरी एक छोटी सी रचना थी तो मैं प्रस्तुत कर दूं, समय भी होनु छे शायद। तो मैं ग्रुप का एडमिन से भी निवेदन कर दूँ, आप मैं समय का बारे में भी बता दिया कि कथा मैं लाइव रहूँ। तो मैं एक रचना आपका बीच में प्रस्तुत करनू छूँ कि भेजी बना छिन कि धो धो सिनो मैं नौनी पाई, कि धो धो सिनो मैं नौनी पाई, अबे निकल मैं झट जैकेट पुड़ जुड़ाई, कि धो धो सिनो मैं नौनी पाई, अबे निकल मैं झट जैकेट पुड़ जुड़ाई, और तुम क्या पतकति करम करी मैं, कि तुम क्या पता कति कर्म करी मैन, 35 की उम्र मैन 30 बताई, कि तुम क्या पता कति कर्म करी मैन, 35 की उम्र मैन 30 बताई, अयोध्वी नौनी जब मेरी तनखा पूछी, यौधवी हजार बड़े तब बताई, कि नौनी जब मेरी तनखा पूछी, यौधवी हजार बड़े तब बताई, अन्ना ही छोड़ी ब्यूटी पार्लर गे मैं, कि ना ही छोड़ी ब्यूटी पार्लर गे मैं, अ जलू नोनू जन हेयर स्टाइल बनाई, अ छोड़ी तै मैन कुर्ता सुलार, कि छोड़ी तै मैन कुर्ता सुलार, ब्रांडेड टी शर्ट जीन्स लगाई, छोड़ी तै मैन कुर्ता सुलार, ब्रांडेड टी शर्ट जीन्स लगाई। अब जब भेजिन इधर करम कर लिन तो सवाल ये नहीं उठ दो कि नौनी मना कर दो। तो इधर के हाल छिन भेजी का कि भेजी बना छिन कि मुहूर्त गढ़ने जब बारी आई, बामण मिन आंखियों मसन गाई, कि मुहूर्त गढ़ने जब बारी आई, बामण मिन आंखियों में सनकाई, 500 को कड़कुड़ू नोट दिखाई, और तथ्यान भी जब बामण नी माणी ठुसके तेगा हाथ थमाई, कि लेकिन बामण जानियो खाली दिखाऊंगे चीज जो दुनी जी। तो भेजी तेगा वास्ता बनना छन कि मुहूर्त गढ़ने जब बारी आई, बामण मिन आंखियों में सनकाई, 500 को कड़कुड़ू नोट दिखाई, और तथ्यान भी जब बामण नी माणी ठुसके तेगा हाथ थमाई, अब भली करी तब मैं सुबिंगाई, कि भली करी तब मैं सुबिंगाई, कि अगला यूनो इंतजार न करी तू, पिछली बारे चार न करी तू, रुपये पैसों को ख्याल न करी तू, बेशक मैं से कुछ भी पूछी पर नौनी से सवाल न करी तू, बेशक मैं से कुछ भी पूछी पर नौनी से सवाल न करी तू, आज जल्दी जल्दी को भलू मुहूर्त गाड़ी, कि जल्दी जल्दी को भलू मुहूर्त गाड़ी, त्वैता धोती तेरी बुआरी दो लो साड़ी, और हाथ जोड़ी बिनती ची त्वैसे, कि अबारदौत बने दे ई नौनी मेरी बुआरी, हाथ जोड़ी बिनती ची त्वैसे, बारदौत बने दे ई नौनी मेरी बारी। अब भेजी सोचना छन कि मैंने ती कर्म करीन पर अंत समय में मैं क्या पाई, कि सोच दू छू यदि कर्म करी मैं अंत समय में कुछ नहीं पाई, कि सोच दू छू यदि कर्म करी मैं अंत समय में कुछ नहीं पाई, और दुई दिनों में घर जो आई, तो ये यून कोरोना बाने में 14 दिन क्वारंटाइन ठहराई, और दुई दिनों में घर जो आई, यून कोरोना बाने में 14 दिन क्वारंटाइन ठहराई, कि सोच दू छू यदि कर्म करी मैं अंत समय में कुछ नहीं पाई, कि सोच दू छू मैं यदि कर्म करी मैं अंत समय में कुछ नहीं पाई, और दुई दिनों में घर जो आई, यून कोरोना बाने में 14 दिन क्वारंटाइन ठहराई, और न बुए मिलू ना बाबा मिलू ना घोरा दाना सियाणा मिलू मैं, कि न बुए मिलू ना बाबा मिलू न घोरा दाना सियाणा मिलू, और ये कोरोना अपरा भी बिरणा बड़ी लीन, कि ये कोरोना अपर अभी बिरण बड़े लिन, और तुम अर मैं जन न जन कतुगा ब्योरु के लिन, तुम अर मैं जन न जन कतुगा ब्योरु के लिन। अब भेजी जब गौमा आया छा
तो अभी जी क्वारंटाइन वेगिन 2 दिन छुट्टी है लेकिन 14 दिन क्वारंटाइन वेगिन। तो अब गांव में बातचीत भी होनी चाहिए कि भेजी को ब्यो छो क्या वे बोलू। तो अब भेजी जब क्वारंटाइन वाया छिन तो गांव का भेबंद तक छिन होता पूछण जाना। तो अब भेजी के छिन बना थे एथर की पंक्तियां समर्पित कर दू कि भुल्ला भेजी भेजी धोन लगो कि भुल्ला भेजी भेजी धन लगो भेजी को प्यो ची कखि त्वे कोरु न नवो अ बार बार हाथ धो और गिच्चु बुझी घरे मुरो कि बार बार हाथ धो और गिच्चु बुझी घरे मुरो आ तारीख एतर सरकी गे बल भेजी का ब्यो की कि तारीख एतर सरकी गे बल भेजी का ब्यो की कोरोना आयु चबल देश में क्योंकि अ चुप रह तू भी बन बनी की छुई न लगो कि चुप रह तू भी बन बनी की छुई न लगो अब घर जा अपना बाल बच्चू दगड़ी रा जी खुशी तू रो अब ब्यो तो वोणा रोला शुभ मुहूर्त आना रोला कि ब्यो तो वोणा रोला शुभ मुहूर्त आना रोला ये साल न तो अगला साल सही कि ये साल न तो अगला साल सही जब मेरे देश कोरोना मुक्त बोलू तब तेरु भेजी धूमधाम से ब्यो कोलू कि ये साल न तो अगला साल सही जब मेरे देश कोरोना मुक्त बोलू तेरु भेजी धूमधाम से ब्यो कोलू। हम सब शासन और प्रशासन की बात मानला कि हम सब शासन और प्रशासन की बात मानला एकजुट वेता अपर एकता से कोरोना मारला एकजुट वेता अपर एकता से कोरोना मारला। तो भैजी को भी हो कि कोरोना ना वो वाली कविता भी मैंने आपका बीच में रखी। ये कविता को वो सभी भाई बंधु था मैं सादर प्रणाम भी कर दूँ और धन्यवाद भी कर दूँ जो देश में कोरोना का चलता अपर ब्यो तक रुके दिन। तो वो सभी भाई बंधु था मेरी ये कविता समर्पित है। तो आप समय भी होनो चे और तो आप सबों का बीच से विदा लेने को भी समय आएगी। तो बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर महावीर रावत जी और ये क्या बोल रहे ये पेज का एडमिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ मैं जो आज मता पर ये पेज पर आमंत्रित करी। और आप सब सुरदारा और दगदरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आप सब लोगों ने मैं मेरे लाइव में सुनी। और आप सब लोगों से एक निवेदन ची कि अगर आप तक कविताएं पसंद है वाली तो आप जरूर यूट्यूब पर जैसा वेदिका सम्माल सर्च करें और मेरी रचनाओं तक सुने आप आशीर्वाद का रूप में लाइक करें और जरूर अपर कमेंटों का माध्यम से मैं बताया कि आप रचना कल लगी। और अगर कोई भी त्रुटि रे वाली ये लाइव में तो अपनी छोटी भूली समझी था मैं माफ करें। तो आप सबों का बीच से अब मैं विदा लेना छू। बहुत बहुत धन्यवाद।